यार अगर वीडियो अच्छी लगती है, कंडीशन है, पहली बात कंडीशन है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अदरवाइज चिल करो, कोई टेंशन नहीं। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब। हेलो भाई, आज मैं आ गई कोर ब्रांड वीडियो के साथ। यार आज की वीडियो में हम लोग शटर स्टॉक के ऊपर पिक्चर अपलोड करने वाले हैं। पिक्चर अपलोड करना मुझे पता बहुत आसान काम है, बहुत ही ज़्यादा आसान काम है, लेकिन मैं क्या करूँ यार, मैं वेला हुआ, क्या करूँ फिर ना, मुझे बता दो ना। अच्छा तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपने आईफोन से या एंड्रॉयड फ़ोन से, वो मैटर नहीं करता कौन सा फ़ोन है, उसके ज़रिए हम लोग अपलोड करेंगे फोटो, ठीक है। और उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, शटरस्टॉक कॉन्ट्रीब्यूटर। दोनों में एप्लीकेशन सेम है, इसलिए दोनों का मेथड सेम है, मैटर नहीं करता आप किस से अपलोड कर रहे हो, ठीक है। इसलिए मैं आराम से ना इसी से बना रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा क्या सीन है कि मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा कि कैसे हम लोग रिवर्स इमेज सर्च करते हैं। उसका क्या सीन है कि जैसे कि कोई कह लो कि ये हमारे पास पावर बैंक है, ठीक है, इसका आपको पता नहीं है कि नाम क्या है, या आपके लिए ना एक सिर्फ ये ब्लैक कलर का बॉक्स है बस, इस तरह कह लो, ठीक है। तो आपने इसकी पिक्चर क्लिक करनी है, आपने शटरस्टॉक की जी दो एप्लीकेशन है, एक शटरस्टॉक कॉन्ट्रीब्यूटर है, एक शटरस्टॉक की अपनी एप्लीकेशन है। तो हमने शटरस्टॉक पे जाना है, वहाँ पे जाके हमने ना इसको सर्च करना है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके रिलेटेड ना वो जितनी इमेजेस होगी ना वो सारी शो कर देगा, तो हमें एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि इसका नाम क्या है, क्या है मतलब किस टाइप की ये कैटेगरी है। इसी तरह कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनका हमें नाम नहीं पता, जो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनका हमें नाम नहीं पता, तो इस तरह ना हम लोग उनको सर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमें डिस्क्रिप्शन देना है, कीवर्ड्स देना है, तो उसके लिए हमें उनका कुछ आता पता होना चाहिए, फिर उनका ना एग्जैक्ट हम दे सकते हैं। तो ये चीज़ भी हम लोग करने वाले हैं, उसके अलावा और क्या चीज़ करने वाले हैं, मतलब यही चीज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके दो मिनट पहले मैं आपको बता दूँ कि क्या चीज़ें हैं, मतलब कि कैसे पिक्चर सेल होती है और कैसे ये सारा सिस्टम चलता है। ये यहाँ पर आपको चार्ट शो हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। इसका क्या सीन है कि अगर आपकी पिक्चर नॉर्मल डाउनलोड हो रही है तो आपको $0.25 मिलते हैं, ठीक है। अगर आपकी पिक्चर ऑन डिमांड हो रही है, ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपको मैक्सिमम 1.88 तक भी मिल सकते हैं, और डिपेंड करता है आपका लेवल कौन सा है, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे सारा कुछ ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इस तरह ना ये शटरस्टॉक चल रहा है, ठीक है। वीडियो का कंपेरिजन करो तो वीडियो का बहुत हाई रेट व्यू, ठीक है। हम लोग फिलहाल पिक्चर्स अपलोड करने वाले हैं तो पिक्चर ही अपलोड करेंगे, वीडियो अपलोड करने का तरीका अलग है, वीडियो एप्लीकेशन से अपलोड नहीं होती, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या सीन है इसका। फोटो आपकी एटलीस्ट 4 MB की होनी चाहिए, 4 MB से कम होगी तो वो अपलोड नहीं करेगा, 4 MB की होनी चाहिए, और कोशिश करें कि उसको एडिट ना ही करें, क्योंकि जहां हम मैं जो सी पिक्चर मैंने खुद एडिट करके अपलोड किया ना, उसकी शार्पनेस या उसमें इशू आ जाता है कि एक्सपोजर ज़्यादा है, शार्पनेस कम है, इस तरह की चीज़ें ना उसमें आ जाती हैं, तो इस तरह के एरर आ जाते हैं, रिजेक्ट हो जाती है फोटो इन सिंपल वर्ड में। तो आपने कोशिश ये करनी है कि पिक्चर एडिट किए बगैर नॉर्मल पिक्चर अच्छे से क्लिक करें और उसको अपलोड कर दें। पिक्चर मैं खुद पर्सनली पिक्चर पे काम नहीं इतना कर रहा हूँ, मैं वीडियो पे काम कर रहा हूँ, मेरा फोन शूट कर लेता है फोन के, तो मैं उसे वीडियो ना तो अपलोड करता हूँ। फिलहाल हम लोग वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो यार हम लोग यहाँ पे जाना है हम लोगों ने ऐप स्टोर पे, ठीक है, यहाँ पे सर्च पे जाना है, यहाँ पे हम लोगों ने शटरस्टॉक लिखना है, ठीक है। शटरस्टॉक लिखते ही ना दो तरह की एप्लीकेशन आनी है, एक शटरस्टॉक सिंपल और एक शटरस्टॉक कॉन्ट्रीब्यूटर। हमने दोनों को डाउनलोड करना है, ये शटरस्टॉक सिंपल वाली है और ये शटरस्टॉक कॉन्ट्रीब्यूटर वाली है, हमने दोनों को डाउनलोड करना है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। पहले मेन चीज़ें ये याद रखनी है, बाकी भूल जाना बेशक। उसके बाद यार आपने जो शटरस्टॉक है, आप ये यहाँ पे शटरस्टॉक देख रहा है, ठीक है, तो ये शटरस्टॉक है, यहाँ पे हम लोगों ने रिवर्स इमेज सर्च करनी है, यहाँ पे आप लोगों ने लॉगिन कर लेना है, ठीक है। मैं लॉगिन यहाँ पे अपनी ईमेल लिखने लगा हूँ और पासवर्ड साइन इन करो, कंटिन्यू करो, ठीक है। ये मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो रहा है, ठीक है, लोडिंग ले रहा थोड़ा सा, यार लेना तो ना, उसके भी कुछ काम है अपने, वो भी बिजी रहता है। अच्छा ये आ गया, ठीक है, यहाँ पे शो कर रहा होम पे मेरी एक्टिविटी है कि मेरी एक इमेज अप्रूव हो गई हुई है, एक रिजेक्ट है, तो वो चीज़ें शो कर रहा है, ठीक है। इसमें कोई इतनी वाली ये वाली इमेज मेरी अप्रूव हो गई हुई है, ठीक है, तो ये अप्रूव होती रहती है, रिजेक्ट होती रहती है, इसमें कोई इतना मेन काम नहीं है, ठीक है। तो ये होम में इस तरह होता है सीन। उसके बाद डॉलर जहाँ का साइन बना हुआ, यहाँ पे आपकी ना जो भी डाउनलोड होती है उसकी ना जो अर्निंग होती है वहाँ पे शो करता है, यहाँ पे आगे एरो अपवर्ड वाला बना हुआ है, इसमें वो आपकी शो करवाता है अर्निंग टाइम। उसके बाद ये प्रोफाइल पे यहाँ पे ना आपकी सारा पोर्टफोलियो है, यहाँ पे आपकी 22 मेरी 22 पिक्चर्स यहाँ पे ना अपलोड हुई हुई है। ये बेसिकली मैं जहाँ मिलती थी अपलोड करता था, पिक्चर बहुत ज़्यादा रिजेक्ट होती हैं, तो इसलिए ना मैं पिक्चर पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको लगता है बहुत अच्छी पिक्चर है लेकिन वो रिजेक्ट हो जाती है, तो पिक्चर्स पर मैं पर्सनली काम कर रहा हूँ, नीचे उसका कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल है बस। तो हम लोगों ने जहाँ पे अप एरो बनाना ना वहाँ पे ना क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लोड ले रहा है ये, क्योंकि पता नहीं। अच्छा स्टार्ट हेयर पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट हेयर पे क्लिक करके ना हम लोगों ने पिक्चर सेलेक्ट करनी है। ये मेरी कुछ पिक्चर्स हैं, ये भी मैंने बनाई इसलिए थे कि ताकि मैं अपलोड कर सकूँ ना, मतलब ये वीडियो बना सकूँ, तो ये पिक्चर है, ये आप चेक कर सकते हो। तो ये पिक्चर्स ना मैं अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। ये इनमें से एक मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये मैं अपने फ़ोन से क्लिक की हुई हैं, इतनी भी अच्छी तो नहीं आया वैसे, लेकिन
ये पिक्चर यहाँ पे ऐसे सारी ना सेलेक्ट करके, तो इनको मैं करने लगा हूँ अपलोड। ओके हो गया, अब हो गया, ये सारी पिक्चर अपलोड हो रही है। ठीक है, अपलोड करने के बाद जो मेन काम होता है, जो मेन काम है वो डिस्क्रिप्शन देना और इसका कीवर्ड वगैरह देना। ठीक है, तो वो हम लोग देने वाले हैं, कैसे देते हैं वो भी है, वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वही चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी चीज़ें तो आपको पता है सारी कैसे अपलोड होता है, मैं वही दिखाने आया हूँ। ठीक है, तो वो भी आपको वैसे पता ही होनी है मेरे ख्याल में, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो, पॉइंट है कि नहीं, इसलिए देखते जाओ। अच्छा, ये मेरी सारी पिक्चर्स अपलोड हो गई हैं। पिक्चर बहुत जल्दी अपलोड होती हैं, 4 MB से ऊपर की होनी चाहिए, वरना ये अपलोड ही नहीं करेगा, ये भी चीज़ देखा है। ठीक है, ये मैं इनमें से कोई पिक्चर एक सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं कौन सी पिक्चर ना अपलोड करूँ, मतलब कि कौन सी पिक्चर को मैं, बाकी तो मैं सारी बाद में लिख लूँगा, लेकिन आपको एक कोई करके दिखा देता हूँ मैं। तो इनमें से कोई एक आधी पिक्चर मैं ना सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें, ये पिक्चर मैंने कोशिश की हुई है अच्छे से क्लिक करने, मतलब सही, वैसे ना डे लाइट में आईफोन का रिजल्ट अच्छा आता है, अच्छा खासा आता है। तो मैं ये वाली पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ वैसे ना, ये वाली, मेरे ख्याल में ये वाली पिक्चर ठीक है, मतलब ओके लग रही है। तो ये वाली पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग वापस से जाते हैं कंट्रीब्यूटर पे, तो यहाँ पे इस पिक्चर पे जाते हैं। तो अभी मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि मुझे इस पिक्चर का नाम नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता इस पिक्चर का क्या अता पता है, मतलब कौन से रंग का फूल है, हालांकि मस्टर्ड प्लांट वगैरह इसी तरह का उसका सीधा सारा, लेकिन मुझे नहीं कुछ भी पता। ठीक है, मैं ये लेके चल रहा हूँ अभी फिलहाल, मैं लिख लेता हूँ इसमें कुछ ना कुछ। आपने शटरस्टॉक में जाना, ठीक है, शटरस्टॉक में जाके यहाँ पे सबसे साइड पे ना एक कैमरे का आइकन बना हुआ है, आपने उसके ऊपर क्लिक, मतलब शटरस्टॉक सर्च पे ऊपर क्लिक करोगे ना, यहाँ पे साइड पे, राइट साइड पे सबसे ना वो बना हुआ है, इसके ऊपर फोटो लाइब्रेरी पे क्लिक करके ना, एंड्रॉइड पे भी सेम सीन है, आपने वो पिक्चर सेलेक्ट करनी है जो उनसे आपने, जिसका ऊपर लिखना है आपने सारा कुछ, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी है। ठीक है, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, ये क्या करेगा, रिवर्स ही मेरी सर्च करेगा, उसके रिलेटेड जितनी भी पिक्चर्स होगी ना वो सारी शो कर देगा। अब ये देखें आप लोग, ये उसी के रिलेटेड सारी पिक्चर आ रही है, मतलब येलो फ्लावर आ रहे हैं, कुछ उसमें से मैच करेंगे, कुछ उसमें से नहीं मैच करेंगे। अभी आपने खुद देखना कि हमारा फ्लावर किससे मैच कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत नहीं मैच कर रहा है, उसके बाद मैं कोई और खोल लूँ, तो ये येलो फ्लावर और मस्टर्ड, ये थोड़ा बहुत मैच कर, इसलिए मुझे अंदाजा हो गया कि क्या डिस्क्रिप्शन उसने बंदे ने लिखी हुई है, येलो फ्लावर और मस्टर्ड, तो मैं इसे थोड़ी सी मिलती जुलती लिख सकता हूँ आराम से, देखो इसने ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग कोई और देखते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, सारी मतलब सेम, ऑलमोस्ट सेम जा रही थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके रिलेटेड ना कोई, मुझसे मतलब मिलती जुलती ना कोई डिस्क्रिप्शन लिख देनी। आपको अगर नहीं समझ आ रही, बिल्कुल नहीं आपको समझ आती कैसे लिखते हैं, तो आपने उसी के कोई उठा के लिख लो। ठीक है, कोई और दो तीन लिख लो, मतलब कॉमा डाल के फिर से कुछ और डाल दो, एक ही डिस्क्रिप्शन लिखो, कॉमा डाल के फिर अगले बंदे की डिस्क्रिप्शन लिख दो, ये भी आप कर सकते हो, ज़्यादा आपको कंफर्टेबल लगता है। तो यहाँ पे ओके करते हैं इसको, उसके बाद आ जाते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स पहले तो जो हमने जो ये सजेशन में दे रहा है, ये तो हम लिखेंगे, लिखेंगे कीवर्ड, आप मिनिमम 7 आपके लिए लिखेंगे, लेकिन यार मैक्सिमम आप 50 तक लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग जो आपका डिस्क्रिप्शन है उससे रिलेटेड ना, मतलब कि मस्टर्ड प्लांट हो गया, मस्टर्ड सीड्स हो गए, मस्टर्ड येलो फ्लावर हो गया, इस तरह की चीज़ें लिख लें। ठीक है, उसके बाद आपने ये सारे जो सजेशन में है ना, ऑलमोस्ट ना जो आपको लग रहा है कि इससे मिलते जुलते हैं, वो आपने सेलेक्ट करने हैं। ये कभी कभी होता है कि इररिलेवेंट भी देता थोड़ा सा ना, लेकिन आपने वो नहीं सेलेक्ट करने हैं, तो जो मुझे मिलते जुलते लग रहे हैं मैं वो सेलेक्ट करता जा रहा हूँ, बाकी मैं सारे फारिग करूँगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे हैं। तो ये क्लोजअप भी है, ठीक है, ये लीफ, ठीक है, इतने मतलब काफ़ी हैं। तो ये लिख के हम लोग डन पे क्लिक करेंगे, इतना मतलब कीवर्ड लिख लिए। अभी आ जाती है कैटेगरीज। कैटेगरीज आप दो सेलेक्ट कर सकते हो, दो से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो दो में हम लोग एक नेचर कर लेते हैं, एक और हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, हमने एक ही की है, एक और कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स पे कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है। ये जो रिलीज है, एडिटोरियल है, इलस्ट्रेशन है, मेच्योर कंटेंट है, ये हमारे काम का नहीं है। अगर रिलीज आपको तब देना था, सबमिट में मैंने क्लिक कर दिया, रिलीज आपको तब देना था जब आप किसी मॉडल की पिक्चर लगाओ, मतलब आप अपनी पिक्चर लगा रहे हो तो आपको तब रिलीज देना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पेंडिंग में ना, हमारी पिक्चर पेंडिंग में चली गई है कुछ देर के लिए, पेंडिंग में रही ऑलमोस्ट ना 24 hours के लिए। कभी कभी जल्दी कर देते हैं अप्रूव, कभी कभी मतलब रिजल्ट बता देते हैं कि अप्रूव हुई है कि नहीं हुई है, तो कभी कभी थोड़ा टाइम ले लेते हैं। तो अभी ये पिक्चर ना पेंडिंग में चली गई है, तो ये रिव्यू में जाएगी कुछ दिन के बाद, और फिर हमें पता चलेगा कि अप्रूव हुई है कि नहीं। तो मैं आपको अभी बता भी देता हूँ कि ये हो जाती है, अभी मैंने मतलब वापस आ गया हूँ ना, मैं छोड़ के हूँ मैं इधर ही, लेकिन बेटा वापस आ गए, जब अप्रूव हो गया ना मैं फिर से वीडियो चालू की आप लोगों के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे मेरी पिक्चर अभी चेक करते हैं, खोल के देखते हैं अप्रूव हुई है कि नहीं। 12:16 हो रहा है अभी AM, रात के 12 बजे वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, 1 image अप्रूव्ड, हमारी जो पिक्चर हम लोगों ने अपलोड की थी वो सक्सेसफुली अप्रूव्ड हो गई है। ठीक है, देखिए आपके सामने मैंने पिक्चर अपलोड की है, कीवर्ड दिया है, डिस्क्रिप्शन दी है,
नॉर्मल सी, कोई मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया और इसको मैंने ओके कर दिया, तो ये पिक्चर अप्रूव्ड हो गई है। तो ये आप लोग 23 आ गए मेरे पोर्टफोलियो में, पहले 22 था, अब 23 आ गए। यहाँ पे आप लोग मतलब रिफ्रेश हो गए, यहाँ पे थोड़ी देर में वो पिक्चर भी आ गई। तो इतना सा काम है, मतलब आप इस तरह आराम से पिक्चर अपने एंड्रॉयड फ़ोन से, अपने आईफोन फ़ोन से, जहाँ जिस भी फ़ोन से, आप कोशिश बस ये करने के 4 MB से ऊपर की पिक्चर हो। और अगर आपकी आपका फ़ोन शूट नहीं करता 4 MB वाला, मतलब आपका फ़ोन इस तरह नहीं है कि वो 4 MB की पिक्चर शूट कर रहा है, एंड्रॉयड फ़ोन को ही ले लो। आजकल तो एंड्रॉयड फ़ोन आजकल वाले जो आए हैं वो तो 7-8 MB वाले कर रहे हैं शूट ना, लेकिन अगर नहीं कर रहा तो आप लोग कोशिश करें कि कोई वेक्टर इलस्ट्रेशन वगैरह वाली ना पिक्चर वगैरह अपलोड करें। उसका भी एक ना बहुत बड़ा सीन है, मतलब वो वाली पिक्चर्स ज़्यादा सेल होती हैं इसके कंपैरिजन में। ये वाली पिक्चर तब सेल होती हैं अगर आप पिक्चर कोई कमर्शियल यूज़ के लिए हो, मतलब ये फ्लावर हो सकता है कमर्शियल यूज़ के लिए हो, लेकिन इससे अच्छे अच्छे भी ये पिक्चर्स हैं, तो वो ये वाला क्यों लेगा बंदा? वो इससे अच्छे वाला लेगा ना, उसको उसने पैसे उसके भी देने हैं, इसके भी देने हैं, तो वो उसके देगा। तो आपने कोशिश ये करनी है, आप कमर्शियल अगर पिक्चर शूट कर रहे हैं तो कमर्शियल टाइप की हो, मतलब कोई आते जाते कोई ना, जो आपको दिख रहा हो, जो हमें दिख रहा हो ना, वो कमर्शियल ही हो जाता सारा कुछ ना। अभी ये भी दिख ही रहा था वैसे उसी हिसाब से देखा जाए, लेकिन ये पिक्चर इससे अच्छे अच्छे लोगों ने क्लिक की है, इसकी रीज़न ये है, ठीक है, जो मैं दे रहा हूँ। तो यार यही थी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कैसे आप लोग पिक्चर अपलोड कर सकते हो, रिवर्स इमेज भी कर सकते हो और उसको सिंपल वे में अप्रूव भी कर सकते हो। इस पिक्चर में मैंने कुछ एडिट नहीं किया, मैंने सिंपल क्लिक किया और अपलोड कर दिया, बाकी भी मैं बाद में कर लूँ, वो मेरा काम है। बाकी अगर आप लोग इसी तरह अपलोड करते रहोगे तो वो अपलोड होती रहेंगी, ये कह सकता हूँ, और तो कुछ नहीं कह सकता। तो बाकी यार मिलता हूँ आपको एक न्यू वीडियो में, न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।